हेलो एवरीवन, मैं राधिका किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। अब उसमें हमें क्या-क्या चाहिएगा वो मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। बीच में स्किप ना करें वीडियो को, प्लीज़। तो अब हम ले रहे हैं 2 गिलास राइस। 1 गिलास मैंने डाल दिया है, 1 गिलास, 2 गिलास राइस ले लिए मैंने। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे साफ पानी से, फिर हम इसको कुकर में डालेंगे और 2 सीटी लगाएंगे। और इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे साथ में। अभी आगे देखना आप इस वीडियो को। मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसको हम कुकर में डालेंगे। अब मैंने इसको कुकर में डाल दिया, अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करती हूँ। अभी डालती हूँ इसमें, 2 गिलास राइस है तो हम डालेंगे 4 गिलास पानी। अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है कुकर, मैंने इसी गिलास से 2 गिलास चावल लिए थे और 4 गिलास मैंने लिया पानी, 1 चम्मच डाला नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको 2 सीटी आने तक हम गैस पर रखेंगे। जब तक हमारा चावल तैयार होते हैं तब तक हम हमारे मसाला तैयार करते हैं राइस को फ्राई करने के लिए। इसमें मैं अंदाजन डालती हूँ 2 से 3 चम्मच बड़े वाले तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना जो आपको चाहिए। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए फ्राई करने के लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्याज काटी हुई है बारीक बारीक, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, फूल गोभी, गाजर, आलू, मटर। आप इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, इसमें सोयाबीन की बड़ी भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इन्हीं से फ्राई करके दिखाती हूँ आपको कैसे, और आगे आप देखिए मेरी वीडियो, आगे हम किसके साथ इसको सर्व करते हैं और फिर उसको हम कैसे बनाते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं हम 1 चम्मच जीरा, 2 इलायची, तेज पत्ता, दो से तीन लौंग, ये पक चुकी है अब हमारी। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज ब्राउन हो चुकी है अब हमारी। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजर, गाजर के बाद अब डालते हैं हम मटर, अब डालेंगे हम फूल गोभी, अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें आलू,
अब इनको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। बाकी बचा हुआ हम वेजिटेबल अपनी बाद में डालेंगे। मैं थोड़ी देर इसको ढक के पका रही हूँ। अब हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब देख लेते हैं एक बार। अब थोड़े थोड़े हमारे मसाला सब्जियाँ ये गल चुकी है। अब इसमें ऐड करते हैं हम टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें ऐड करते अपना मसाला। अगर आप हल्दी डालना चाहते हो तो हल्दी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ अभी। मैं इसमें आपको मैंने पहले बताया था, ये मसाला मैंने होममेड बनाया हुआ है, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके मैं आपको 2 चम्मच डाल के दिखाती हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच इसमें मसाला डाला होममेड, और मैं कोई गरम मसाला इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इस मसाले की। आप इसे तैयार करोगे तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है। मैंने इसमें अभी 2 चम्मच मसाला ऐड किया है। अब इसमें हम अपना स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, क्योंकि राइस में हमने नमक डाल दिया है पहले ही। अब हम अपने वेजिटेबल के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक ऐड करेंगे, जितनी हमें नीड है। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ही रखें इसमें, क्योंकि मैं मिर्च तेज खाती हूँ इसलिए मैं तेज ही डालती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसी आपको पसंद है उतनी ही आप डालें। अभी हम थोड़ी देर और अपना मसाला 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही तेज आंच पर पकने के लिए। ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हम अब मैंने ये मूंगफली रखी हुई है छिलका उतार के, हम इसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के पकाते हैं। अब हमारा मसाला तैयार है बिल्कुल बनके। अब इसमें राइस ऐड करेंगे हम। हमारे राइस पककर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया, कितना सुंदर लग रहा है। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। नमक मिर्च परफेक्ट है इसमें।
अब मैं आपको इसके साथ खाने वाला रायता बनाती हूँ। उसको कैसे बनाते हैं देखिए। इधर रायते के लिए हमें चाहिए दही। मैंने आधा किलो दही ली है। हरी मिर्च कटी हुई छोटी छोटी काट रखी मैंने। प्याज भी कटी हुई, एक प्याज काटी मैंने छोटी छोटी। एक आधी चम्मच ली मैंने काली मिर्च और आधी चम्मच लिया मैंने काला नमक। अब हम इस सबको ऐड करते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये काली मिर्च, ये काला नमक। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें जीरा और ऐड करेंगे, भुना हुआ जीरा। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लें इसमें। आपको अगर हरी मिर्च अच्छी नहीं लगती भाई कटी हुई, तो आप इसमें ब्लैक नमक, ब्लैक मिर्च या फिर लाल मिर्च कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये अब हमारा रायता बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम हरा धनिया और मिक्स करेंगे। हरा धनिया हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी हरा धनिया बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें हरा धनिया की चटनी या हरा धनिया सब्जी में डाल के बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए। इससे हमारी जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो सभी दूर होती है धनिए से। तो ये तैयार है हमारा रायता। ये हमारे फ्राइड राइस तैयार है। आप इसे बनाकर और खाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे रायता भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। आगे मेरी आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। जो मैंने यूज किया है मैं अपने ही अकॉर्डिंग आपको बनाना बता रही हूँ। आगे आप देखिएगा मेरी वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।